ये देखिए, रबड़ी जैसे खीर चावल के 10 मिनट में बनकर होती है तैयार। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप सब कोई अच्छे होंगे। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए रबड़ी की तरह खीर बनाइए 10 मिनट। इस शरद पूर्णिमा को ये रेसिपी भी ज़रूर ट्राई करें। और ये 10 मिनट में बनकर तैयार होती है। जिसको मीठा बहुत पसंद है, ये तुरंत बनाकर आप तैयार करेंगे, वो भी कम इंग्रेडिएंट में। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें ना ही कोई कंडेंस मिल्क डालना है, और दूध, चावल और ड्राई फ्रूट का ही ये सिर्फ बनेगा। तो इसके लिए चाहिए, मैंने 4 चम्मच चावल लिया है, इसको भिगो दिया था आधा घंटा पहले। आप कोई भी नॉर्मल चावल ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून किशमिश, पिस्ता 1 चम्मच और बादाम 1 चम्मच। हम लेंगे 1/2 टेबल स्पून घी। घी में कम क्वांटिटी में ले रहे हो, आप चाहे तो ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं। और मैं कम क्वांटिटी में ही हम अपने ड्राई फ्रूट को इसमें फ्राई करेंगे, घी की कम क्वांटिटी रहेगी। अब सारे ड्राई फ्रूट इसमें हम डाल देते हैं, जो हम चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट रखे थे। और इसको हल्का सुनहरा कलर होने तक हमें भूनना है। आप इसमें घी की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, हमारा ये हल्का हल्का भून गया है हमारा, तो इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। और अब सेम इसी कढ़ाई में हम ये चावल को भी हल्के से भून लेंगे। इसके हल्के से कलर चेंज करना, हमें ज़्यादा नहीं करना। इसके पानी को हम अच्छे से ड्रेन कर लिए हैं और हल्के से हमें इसे भून लेना है। आप कोई भी चावल ले सकते हैं। और फिर इसमें से हम 1.5 चम्मच निकाल लेंगे चावल। हमने इसमें 4 चम्मच चावल लिया था खीर बनाने के लिए, हम 1.5 चम्मच इसमें से निकाल ले रहे हैं। और बाकी सारे के हम खीर में, दूध में डालेंगे इसे। तो हम कढ़ाई ले लेते हैं, इसे पहले डालते हैं पानी, क्योंकि हमें दूध चिपके ना इसमें ज़्यादा। फिर हम इसमें 1 लीटर मिल्क डालेंगे और इसे हम चलाते जाएंगे धीमी आंच में। जब तक हमारा दूध बॉयल होता है, तब तक मैं चलते हैं हम अपने जो चावल है, जो स्ट्रक्चर हमें ठीक करना है, उसके लिए हमें ये, मैंने जो 1.5 चम्मच चावल और ये मैंने बादाम भिगो कर रखा हुआ था, आप चाहे तो इसकी जगह काजू भी डाल सकते हैं। और फिर इसमें हम दूध थोड़ा डाल देंगे और इसे स्मूथ प्यूरी बना लेंगे। इसी के वजह से हमारे ये खीर में रबड़ी का स्ट्रक्चर आएगा और हमारा खीर थिक होने लग जाएगा। तो चलिए, हमारा दूध बॉयल हो चुका है इधर, तो हम इसमें डाल देते हैं जो चावल हमने भून कर रखा था, उसको हम डाल देंगे। और अच्छे से इसे पकाना है। और आप बीच बीच में चलाते रहिएगा, नहीं तो बीच में चिपक जाएंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे इलायची के कुछ दाने। आपके पास पाउडर है तो पाउडर ही डालिएगा। मैं घर के इंग्रेडिएंट जो जो है उसी से मैं आपको एक खीर बनाकर दिखा रही हूँ। अगर आपके पास इलायची के पाउडर ना हो तो ऐसे आप इलायची भी डाल सकते हैं। और हम इसमें तोड़ कर सारी इलायची को डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब देखिए, हमारे साइड साइड में ये मलाई बनने लग गए हैं इसके। अब मलाई को निकालते रहिएगा साइड साइड से। और हमारी खीर भी अब ठीक होने लग गए हैं। अब इसे हम डालेंगे जो पिसा हुआ प्यूरी हमने जो बनाया था चावल और बादाम के, उसी को हम डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसी से हमारे स्ट्रक्चर बहुत गाढ़े होने लग जाएंगे और रबड़ी का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो अब देखिए, पूरे हमारे गाढ़े भी होने लगे और साइड साइड में मलाई भी बहुत बैठने लग गए हैं। तो मलाई को आप निकालते रहिएगा और हमारे खीर भी बनकर रेडी हो जाएंगे तुरंत। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूले, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब देखिए, हमारे गाढ़ा हो चुका। हम इसमें डालेंगे चीनी 4 चम्मच। जितना मैंने चावल लिया था उतना चीनी भी लिया था, क्योंकि हमारे दूध हैं ये 1 लीटर, तो ठीक होने पर इसमें भी थोड़ा मिठास रहता है। और चीनी भी मैंने उसी की क्वांटिटी से डाला, आपको जितना मीठा पसंद है उतना ही डालिएगा। फिर मैंने ये लिया है कश्मीरी केसर एसेंस। आपके पास अगर केसर है तो दूध में भिगो के डाल लीजिएगा, नहीं तो आप एसेंस डाल सकते हैं। मैंने इसमें 2 बूंद ही डाला है एसेंस। इससे हमारा खीर का स्वाद और दुगुना बढ़ जाएगा। अब देखिए, हमारा स्ट्रक्चर पूरा है ना रबड़ी की तरह, देखिए आपको दिखा रही हूँ, देख सकते हैं आप। अब हम सारे ये ड्राई फ्रूट जो भूंजे हुए थे वो सारे हम डाल देंगे इसमें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे, हमारा खीर बनकर रेडी हो गया। तो अब हम खीर हमारे ठंडे हो चुके और आप देख सकते हैं कढ़ाई में पूरे गाढ़े हो गए हैं। और इसे एक सर्विंग बाउल में हम सर्व कर लेंगे।
और इसे मनपसंद ड्राई फ्रूट से आप गार्निशिंग करिए और खाइए। जब मीठा मन करे खाने को तब ये बनाइए रेसिपी। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या आपने ये रेसिपी ट्राई किया और आपको कैसे लगा ये रेसिपी। तो बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।